रोनित, ओ देखो 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 क्या खेल रहा है रोनित और ऋतिक, दोनों ने मिलकर हिला दिया। ऋतिक लास्ट ओवर में 3 शॉट, रोनित इस ओवर में 3। देखो गुड मॉर्निंग, आप सबको स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। अभी सुबह के 11:15 बज रहा है और मैं काफ़ी लेट करके निकला हूँ आज कॉलेज के लिए। और आज अभी धूप कभी आ रहा है कभी जा रहा है, और आज एक प्लानिंग है वो तो बाद में पता चल जाएगा इस ब्लॉग में। लाके वहीं पे जाना है, अगर वेदर सही नहीं रहा तो दिक्कत होगा। सुकुदा भी आ जाएगा, मैं तो अभी कॉलेज जा रहा हूँ। रोनित आ चुका है अंडाल मोड़ में, मुझे कॉल कर रहा था, मुझे काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है तो फिर जल्दी टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा पहुँचना है। ये देखो, और रोनित यहाँ पर स्टाइल मार रहा था खड़े रह के, लेट करवा दिया इसने, लेट करवा दिया आज। 10:55 टाइम हो गया, क्या पे वो चलो निकलते हैं अभी, चलो 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 गाड़ी उड़ते ना करना। दो हेलमेट हेलमेट पहन लेता हूँ। मैं आ चुका हूँ गाइस, और काफ़ी दिनों के बाद अब लग रहा है वर्कशॉप मज़ेदार। देखो अलग ही लग रहा है, जब मैं पहली बार कॉलेज में आया था इतना मस्त वर्कशॉप नहीं था। इस बार कुछ काफ़ी बढ़िया काम चल रहा है यहाँ पे। जो बोल रहा था मैं कि फ़ैन लगेगा, देखो यहाँ पे 2 रखा हुआ है, वहाँ पे 3 रखा हुआ है फ़ैन, 1 लग चुका है, टोटल 6 फ़ैन तो यहीं पर लग जाएगा। और आते वक्त GT रोड में एक हादसा हो गया हमारे साथ, हम लोग जा रहे थे, मैं और रोनी जा रहा था नेशनल हाईवे में, वहाँ पर नेशनल फ्लैग नीचे गिरा हुआ था, तो ये देख के बहुत ख़राब लगा। तो मेरा आप लोगों से यही गुजारिश है कि अगर आप लोग संभाल नहीं सकते मतलब को नहीं लो, मतलब मत ही खरीदो नेशनल फ्लैग, ऐसा हर बार दिखाई देता है। मैं और रोनित तो वो उठा के लेके आ गया, लेकिन अगर संभाल नहीं सकते तो लेके कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे मन से श्रद्धा रखो वही बेहतर है। अगले दिन आप ले लेते हो इंडिपेंडेंस डे के लिए, वो स्टोरी देने के लिए, स्टेटस देने के लिए सोशल मीडिया में, उसके बाद नेक्स्ट दिन से जब वो नीचे गिरा हुआ रहता है ना, जब देखते हैं बहुत बुरा लगता है, दिल से बुरा लगता है, इसीलिए बोल रहा हूँ। तो अगर संभाल नहीं सकते, संभाल के नहीं रख सकते तो मत, वे सच में बुरा लगता है काफ़ी ज़्यादा। हम लोग तो GT रोड में जा रहे थे 50-60-70 की स्पीड से, हम लोग रोक के उसके बाद उसको उठा के फिर लेके गए। GT रोड में ऐसा गिरा हुआ रहता है तो मतलब सोच लो कि छोटे मोटे जो रोड है उसमें कितना ज़्यादा गिरा होगा। कुछ खैर छोड़ो, वो सब बातें छोड़ो, मूड ख़राब हो जाएगा उस चीज़ों से। अभी देखते हैं वर्कशॉप का हालत। ये देख मशीन, ये तो सही हो चुका है, ये थोड़ा सा ख़राब था, ये भी सही कर दिया गया है। और ये वाला मशीन भी शायद चलने लगे, वो वाला भी चलने लगे, वो वाला भी चलने लगे, ये वाला भी, काफ़ी सारे मशीन हो जाएगा फिर 8-10 मशीन में काम हो सकता है। ये वाला मशीन शायद नया आया है, ये पहले नहीं था यहाँ पे, बिल्कुल भी नहीं था ये वाला। और ये कैपस्टन ले रहा नहीं, ये टारेट वाला ले रहा, ये टारेट ले रहा, कैपस्टन वो वाला है, कैपस्टन ये टारेट, और ये वाला भी टारेट ले रहा, लेकिन ये मतलब मास प्रोडक्शन के लिए, वो तो कब से बंद पड़ा हुआ है, उसमें बहुत बड़ा सा काम हो सकता है। ये सही करने में बहुत दिक्कत है काफ़ी, ये काफ़ी बड़ा है। देखो मशीन, देखो वहाँ पे, देखो टेल स्टॉक, देखो टेल स्टॉक तो नहीं होता है ना टारगेट लेथ में, साइड में बैक साइड में देखो, और ये फ्रंट साइड में जहाँ पे चक लगा हुआ है, देखो ये काफ़ी बड़ा है। होने वाला है कॉलेज में गली क्रिकेट, इंटर कॉलेज होगा, क्योंकि नाम दे चुका है सारे ग्रेड के स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सब अलग अलग। और हाँ, और छोटा देखो इतना छोटे से जगह में शैडो मैच होगा, तो अभी थोड़ी देर में स्टार्ट होने वाला है। हेलो गाइस, बोलो गाइस, बोलो गाइस, हाई के बाद कुछ बोलना नहीं है। और माइक में दिक्कत हो रहा है, ये माइक वहाँ पे लगा हुआ है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, स्टार्ट होने में अभी टाइम है। भीड़ देखो बस, गेम स्टार्ट हो चुका है, फास्ट मैच खत्म हो गया, एक टीम जीत गया शायद, मुझे पता नहीं कौन टीम जीता है। ये देखो सारे रेडी हो चुके हैं हमारे स्टूडेंट्स, पीटर फर्स्ट ईयर जीत चुका है, पीटर फर्स्ट ईयर जीत गया, मैं देख रहा था लेकिन मुझे टीम का नाम पता नहीं। और यहाँ पे बाकी सारे देखो, सारे लाइन बाय लाइन लगे हुए हैं गोल करके बाउंड्री के चारों तरफ, और वहाँ सामने वो कमेंट्री भी चल रहा है उधर, थोड़ी देर में हमारा भी कागज होगा। बोलो तो अर्जिता, थोड़ी देर में हमारा भी गेम स्टार्ट होगा, शायद 3 नंबर मैच, सेकेंड ईयर टर्नर वर्सेस सेकेंड ईयर मैसेजर, पहली मैच देखते हैं। अभी तो RSC का मैच हो रहा है, RSC और शायद कुछ एक प्लेट का होगा, मुझे याद नहीं आ रहा। तो हमारा मैच थोड़ी देर में स्टार्ट होगा, हमारे स्टूडेंट भी तैयार है, इधर उधर घूम रहे हैं, बस ये वाला मैच खत्म हो जाए फिर हम लोग स्टार्ट।
लास्ट ओवर चल रहा है, इसके बाद हमारा मैच है, मतलब कानर सेकंड ईयर और मिसिंग सेकंड ईयर। ये देखो सारे स्टूडेंट आ चुके हैं हमारे, अभी बस इंतजार है हम खत्म हो ये वाला। फोकस करो गेम, देखो हो चुका है और रोनित ओपनिंग कर रहा है, रोनित और उस साइड में काली बोलो। हम टॉस हार चुके हैं, मैच देखते हैं अभी, और हमारा फास्ट बैटिंग निकला है उसके बाद। यहाँ पे फास्ट बॉलिंग लेके ज़्यादा फायदा रहता, लेकिन टॉस ही नहीं जीते तो क्या करेंगे, अभी फास्ट बैटिंग ही कर रहे हैं इसलिए। और ये सारे हमारे प्लेयर्स, चलो देखते हैं फास्ट बॉल। ओ बढ़िया बॉल था, गुड गुड बॉलिंग। सेकंड बॉल देखते हैं, ओ बढ़िया बॉल चल रहा है, गेम पे कॉन्सेंट्रेट कर। रोनित देखो 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 क्या खेल रहा है, रोनित और ऋतिक दोनों ने मिलके हिला दिया पूरा। ऋतिक लास्ट ओवर में 3 शॉट, रोनित इस ओवर में 3। देखो अबे अबे रोनित आरो अबे, टेक 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 टेक, लास्ट बॉल रोनित, टच कोड़ गल रोनित, मार लो शॉट, ठीक है ठीक है, अरे ठीक है ठीक है, चलो आउट हो गया, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए। मैच अपन लोग जीत गए गाइस, ये ऋतिक की वजह से, इसकी वजह से भी और रोनित की वजह से भी और काली की वजह से। देखो अभी नेक्स्ट मैच चल रहा है, हम लोग तो क्वालिफाई कर चुके हैं, इसके बाद कब खेल है मैच है पता नहीं, किसके साथ है वो भी पता नहीं, थोड़ा 7 टीम क्वालिफाई करेगा उसके बीच में होगा। अभी इन लोगों का मैच चल रहा है, देखते हैं। फिर मैं रेडी हो के निकल चुका हूँ, अभी हमारा जो गेम था मैच वो कभी होगा पता नहीं, क्योंकि बारिश स्टार्ट हो गया बीच में और मुझे निकलना भी है, मैं सुबह बोल रहा था कि एक जगह पर जाना है तो उसके लिए अभी निकल रहा हूँ, मुझे अभी जाना है यहाँ से बहना चीती, तो सामने आगे जाके वहाँ पे बस मिल जाएगा, आगे जाके लेफ्ट साइड में मतलब दीपाड़ा मोड़ से, तो वहीं से बस पकड़ के सीधा मैनेज दी चलते हैं, जो कि लास्ट टाइम जिस बस में मैं गया था उस टाइम का कोई तो बस मिल ही जाएगा, चलते हैं जल्दी मैनेज दी। और बारिश उतना तेज़ नहीं हो रहा है, लेकिन रेनकोट है इसलिए बचा हुआ, फ़ोन वाटर रेजिस्टेंट है, लेकिन इतना ज़्यादा बारिश भी नहीं संभाल सकेगा, फ़ोन को अंदर करता हूँ सीधा निकलते हैं बस पकड़ते। सही टाइम पर मिला गाइस, सिटी सेंटर पहुँच चुका हूँ, एक्चुअली सिटी सेंटर क्रॉस कर चुका हूँ, ये बस तो जाएगा बहना चीती जो बस स्टैंड है वहाँ पे, वहाँ से मुझे थोड़ा 1 किलोमीटर पैदल जाना होगा या फिर ऑटो से यहाँ टोटो से यहाँ पे जा रहा हूँ मैं, एक कुकुला भी आ रहा है तो वहाँ पे पहुँचते हैं फिर बात करते हैं। गाइस पहुँच चुका हूँ फाइनली SBF, थोड़ा सा भी बारिश नहीं हुई है, तो आज मेरा सेकेंड डे है, आज भी कदर देखने के लिए आया हूँ, कुकुला भी आ चुका है, उसका फर्स्ट डे में मेरा सेकंड डे, चलो ऊपर चलते हैं, अभी आधा घंटा टाइम है, ऊपर ही चल के ऊपर मस्त ऐसे में घूमते हैं। लास्ट सम्मेलन दुश्मना पूछो तारा सिंह कौन है, चलो सेकंड दिन देखना खत्म, अभी थोड़े सा मेरे का टाइम है, अभी सीधा घर जाना है, यहाँ से बस मिल जाए, बस उधर से आएगा, जब आएगा तब जाए, मतलब आज के लिए टाइम हो गया, देख लो।